नमस्कार, मैं राधिका राय। माय होम मिनिस्टर किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी किचन में चीले बना रही हूँ। चीला जो है वो बेसन का नहीं है, सूजी का नहीं है, मैदा का नहीं, आटे का ही बना रही हूँ मैं। ब्रेड का चीला बना रही हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड का चीला बनाने के लिए मैंने जो ली है वो ब्रेड के ऊपर का जो स्लाइस होता है इसको हम अक्सर हटा ही देते हैं, इस्तेमाल में कम लेते हैं, तो इस स्लाइस का मैं यूज़ करूँगी इसमें। तो ब्रेड का ये स्लाइस है मेरे पास, थोड़ा सा दही है, साबूदाना है जिसको कि मैंने दरदरा पीसा हुआ है, कुछ मखाने हैं और कुछ मूंगफली के दाने हैं। तो पहले हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हम ये नमक है वो डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालेंगे हम, और ये जो है अजवाइन है, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, चाट मसाला है वो डालेंगे इसके अंदर, अदरक है इसको मैंने कद्दूकस किया है, थोड़ी सी है अदरक डालेंगे हम, और आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और ये ज़ीरा है पिसा हुआ वो डाल रही हूँ मैं, ये पिसी लाल मिर्च है, कसूरी मेथी है ये डाल रही हूँ मैं। और अब इन सबको हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गरम होने देते हैं, अभी हमने हाई हीट पर रखा हुआ है इसको। हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें ऑयल डालेंगे, अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम गैस को मध्यम पे कर देंगे, मध्यम पे कर देंगे। चीला हमारा एक साइड से परफेक्टली सिक चुका है, अब हम इसको पलटेंगे। थोड़ा ध्यान से पलटना है, ये देखिए इसको भी हम इसी प्रकार से अभी मध्यम हीट पे इसको पकने देंगे। ये हमारा चीला दोनों साइड से बहुत ही परफेक्टली सिक चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सर्विंग के लिए तैयार है, और ये देखिए ये चीले बनके बिल्कुल तैयार है। और मैं इसको सर्व कर रही हूँ तंदूरी मेयोनीज के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, और शेजवान सॉस के साथ। ये रेसिपी मेरी अपनी बनाई हुई है, अगर आप चाहें आपको अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए बनाइएगा, बच्चे स्कूल ले जा सकते हैं, सुबह नाश्ते में बनाइए। आप चाहें तो उसमें गार्लिक है, अनियन है, कुछ भी डाल सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, सभी कुछ मिक्स करके। तो पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।